बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 2.7 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10th क्लास का मैथ है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो स्मार्ट सिलेबस में वैल्यू कुछ यू है, एक्स मनफी वाई इट्स इक्वल 7 के, 2 बाई एक्स मनफी 5 बाई वाई इट्स इक्वल टू 2 के। अगर ये देखें जो डिवाइड है फ्रैक्शन में वैल्यू है कसर में है, पहले तो उसको सिंपलीफाई कर लें। अगर सिंपलीफाई करेंगे तो आपको पता है इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स बी और वाई मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, और एक्स मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 और इक्वल किसके आ जाएगा, 2। अब हमारे पास 2y माइनस 5x और दूसरी में हम पुट कर देंगे, दर्ज कर देंगे। इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे आप एक्स की निकालो चाहे आप वाई की निकालो, तो वाई उधर जाकर किसका हो जाएगा, उधर जाके जमा कर, इसलिए x की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 प्लस y आ जाएगा। इधर आप लोग लिख सकते हैं कि y की कीमत x की कीमत दर्ज करना है, x की कीमत दर्ज करने, क्या कीमत है x की, 2y माइनस 5, x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 7 प्लस y इज इक्वल टू, फिर x वैसे का x की जगह पे वैल्यू क्या है इधर, 7 प्लस y और आगे वाला फिर y वैसे का। देख ले बहुत ही सिंपल, हमने ये आगे वैल्यूज कर ली है, सिर्फ आपने x की वैल्यू पुट कर दी जो इधर से निकाल दी। अब सिंपलीफाई करेंगे, 2y 5 7 कितना आ जाएगा, 35। 5 को y से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, साथ हम y भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14y। 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, और y को y से किया तो क्या आ जाएगा, 2y का स्क्वायर। अब जरा आप लोग और सिंपलीफाई करते हैं, 2 में से 5 चला गया, बाकी कितने रह जाएंगे, 3 माइनस का 3y इट्स इक्वल 14y और प्लस 2y का स्क्वायर। हम तमाम इक्वेशन को क्या करते हैं, एक साइड पे कर देते हैं, 2y का स्क्वायर प्लस का 14y माइनस का 3y है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस का माइनस का 35 है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आप इसको हम क्या कर लेते हैं, मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2y का स्क्वायर 14 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 17y और ये क्या है, 35 इट्स इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास है, ये दो दर्जी मसावात बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप लोग तजी से कर लो, आप लोग फार्मूले से कर लो, या आप लोग तकमीले मरफा से कर लो, लेकिन तजी वाला तरीका ज़्यादा आसान है, इसलिए हम वही अप्लाई कर लेते हैं। इधर जरा वैल्यू देखें, 2y का स्क्वायर प्लस 17y और प्लस 35 इट्स इक्वल टू 0। अब जरा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 70। मल्टीप्लाई करने से 70 आए और प्लस मनफी करने से 17 आए, तो हमारे पास हम किस में तोड़ सकते हैं, 10 और 7 में, 10y और प्लस 7y, 10 और 7 मिलकर कितने हो जाएंगे, 17 और मल्टीप्लाई करने से 17। दोनों में सेम तरह चेक कीजिएगा कौन से है, 2y अंदर क्या बचा, 5 प्लस y प्लस 5, दोनों में सेम क्या है, 7 अंदर क्या बचा, y प्लस 5 इट्स इक्वल टू 0। अब दोनों में जरा सेम चेक करें क्या है, y प्लस 5, बाकी बचा क्या, y प्लस 7 इट्स इक्वल टू 0। अब फर्स्ट भी 0 के इक्वल लेंगे और सेकंड भी 0 के इक्वल लेंगे, y प्लस 5 इट्स इक्वल टू 0, y प्लस 7 इट्स इक्वल टू 0, 2y प्लस 7 इधर ये वाला 2y, इधर ये वाली हमारी कमी आ गई, प्लस का 5 है दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का 7 है दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई का है दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो हमारे पास y की वैल्यूज आ चुकी है।
लेकिन हमें अकेली वाई की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें तो एक्स भी चाहिए। हम उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स इक्वल सेवन, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस फाइव। आंसर कितना आ गया, नहीं जी जब हमने मनफी फाइव पुट किया तो उस वक्त आंसर है टू आ गया, और जब हम ये पुट करते हैं एक्स इक्वल सेवन और वाई की जगह पे कितना आ जाएगा, सेवन बाय टू। एक्स इक्वल क्या आ गया, टू एल सी एम, टू सेवन फोर्टीन मनफी सेवन, तो कितना आ जाएगा हमारे पास है सेवन बाई टू। आप लोग जरा हाल सेट सोल्यूशन सेट देखें क्या आता है, जब एक्स आपका टू है तो वाई कितना है माइनस फाइव, और जब आपका एक्स सेवन बाई टू है और वाई कितना है, नहीं ये इसका क्या है आंसर, वे देखें समझ आइए, इसको नोट करके फिर अगला करते हैं।